The Talks Club. Keep talking, keep learning. We live in a world where ideas share the same stage as rock stars, isn't it? Today I am going to talk about a Japanese concept, ikigai. Any of you have heard about it? Ikigai, any idea? No. Okay. Before talking about the concept, I would like to ask a few questions to all of you. How many of you have seen the movie Three Idiots? Please raise your hand. Okay. After seeing that movie, one of the main ideas of that movie was that in your life, you must follow your passion, isn't it? भले ही आपके अब्बू जान बोल रहे हो कि आप इंजीनियर बनो, लेकिन आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है क्योंकि वो आपका पैशन है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी तमाशा? तमाशा, रणबीर कपूर मूवी तमाशा. तमाशा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें काफ़ी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया था, जैसे क्या आप अपनी लाइफ से परेशान हैं, क्या आप अपनी जॉब से परेशान हैं, क्या आपका बॉस आपको रोज़ रोज़ टाई पहनने को बोलता है. उस मूवी में इम्तियाज़ अली ने लिटरली स्क्रीन के बाहर आकर ये कह दिया कि भाई तू अपनी जॉब छोड़ के तो देख, फिर देख क्या क्या होता है. ठीक है, जॉब छोड़ तो दूँ लेकिन फिर करूँ क्या, जॉब छोड़ तो दूँ लेकिन करूँ क्या, कमाना तो होगा. तो ये किसी ने नहीं बताया कि लाइफ में करना क्या है. क्या लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे को अच्छा लगे, जो मेरे को पसंद हो, या लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं अच्छा हूं, या लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिससे पैसे मिले, या फिर कुछ ऐसा करूं जिससे दुनिया का भला हो. दिस इज इकिगाई. अगर ये चारों पॉइंट्स कोई भी पर्टिकुलर जॉब में, वर्क में या किसी चीज़ में आ जाते हैं, देन दैट इज़ योर इकिगाई. ओके, so going by the definition, ikigai is a Japanese term as mentioned previously. Ikigai is a Japanese term. Iska matlab ye hota hai, ikigai is the reason for your waking up in the morning. Aap subah uth kyun rahe ho, kis liye uth rahe ho, kis purpose ke sath uth rahe ho, ye hai ikigai. Ikigai ka origin hai Japan se. Japan mein ek place hai Okinawa. Okinawa wahan par ikigai ka origin hua tha. वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि लोग वहाँ पे कभी रिटायरमेंट नहीं लेते, वो अपनी ज़िंदगी भर काम करते हैं. काम क्या करते हैं? अपना जो भी इकिगाई उनका होगा वो काम करते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं. ऐसा पैशन जिससे आपको कमाई भी हो, जिसमें आप अच्छे भी हों, जिस जो आपको पसंद भी हो और जिससे दुनिया का कुछ भला भी हो, ये पैशन फॉलो करते हैं. ओकिनावा का एक ख़ास बात है. The thing about Okinawa is that it has the most number of people living above the age of 100. दुनिया में, दुनिया की किसी भी जगह से ज़्यादा 100 साल की उम्र वाले लोग ओकिनावा में हैं. वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 89 ईयर्स कंपेयर टू 69 ऑफ आवर कंट्री. ओके, तो इतना हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ पर. इसका रीज़न क्या है? क्या इकिगाई इसका रीज़न है? हो सकता है. इकिगाई इज़ बेस्ड ऑन फोर प्रिंसिपल्स. एज आई सेड, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ व्हाट डू यू लव, आप किस चीज़ से प्यार करते हो. द सेकंड प्रिंसिपल इज़ व्हाट डू यू रियली वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हो. द थर्ड वन बीइंग व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, आपको किस चीज़ के लिए पैसे मिल सकते हैं. और चौथा है कि आप ऐसा क्या करो कि जिससे दुनिया का भी कुछ भला हो. ओके, सो कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि आप क्या कर सकते हो. जस्ट सपोज़ किसी को सोना पसंद है, ठंड का टाइम है, किसी को सोना पसंद है. तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या सोना मेरा इकिगाई हो सकता है, देखिए उसमें इक्वेशन में फिट कर देखिए. पहला है, क्या आपको सोना पसंद है? क्या आपको सोना पसंद है? सेकेंड वन बींग, क्या आप सोने में अच्छे हो? सोने में तो कई लोग इतने अच्छे हैं कि कुंभकर्ण फेल हो जाए. द थर्ड वन बींग, क्या आपको सोने के लिए पैसे मिल सकते हैं?
यू विश। और चौथा, क्या सोने से किसी का भला हो सकता है आपके अलावा? आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड वुड केयर अबाउट योर स्लीप। सो सोना, स्लीपिंग कैन नॉट बी योर इकिगाई। ओके, द सेकेंड थिंग आई टॉक्ड अबाउट फरहान कुरैशी, द फरहान कुरैशी ऑफ थ्री इडियट्स, कि उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन के। तो क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उनका एक ही गाय था? लेट्स पुट इट इन दैट इक्वेशन, ही वॉज गुड एट इट, उनको वो पसंद था, उसके लिए उनको पैसे भी मिल सकते हैं और इससे दुनिया का कुछ भला भी होता, लोगों को पसंद आता उनका काम। सो दैट वॉज हिज इकिगाय। अब आपका इकिगाय क्या है, हमारा इकिगाय क्या है, मेरा इकिगाय क्या है? ये साहब, ये थोड़ा टेढ़ा प्रश्न है जिसका उत्तर पाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत लगेगा इसका उत्तर पाने में, लेकिन आई प्रॉमिस इट्स अ लॉट ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आर टू बी डन इन दैट, बट वंस यू हैव डन इट, वंस यू हैव फाउंड योर इकिगाय, it would be fruitful. Thank you.